और अब बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी के दो विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया है। बीजेपी विधायक संजय पाठक और विश्वास सारंग ने अपने बयानों में कहा कि सरकार ने उनकी सुरक्षा को हटा लिया और लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। न्यूज वर्ल्ड ने दोनों से खास बातचीत की, क्या कुछ कहना है दोनों का, चलिए आपको सुनवाते हैं। कल से संजय पाठक के चर्चा में, संजय पाठक हमारे साथ में। संजय जी, क्या कहें, कल से अभी तक का जो घटनाक्रम है क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए किया गया है, केवल भ्रम फैलाने के लिए कि संजय पाठक कांग्रेस में आ सकते हैं, ये भ्रम फैलाने के लिए सब घटनाक्रम किया गया घटित। ना मैं गया, ना मैं जाऊंगा, ना मेरी कोई बात हुई है। आप यहां तक कह रहे हैं, ऐसा प्रेशराइज किया जा रहा है कि हत्या की आशंका की बात भी आपने कही? देखिए, आप तीन चार चीजों को आपस में क्लब कर रहे हैं। मुझे आशंका है, मेरे दोनों PSO हटा दिए गए जो पिछले 15-20 साल से मेरे साथ हैं, और कुछ कल घटित हुआ है, समय आने पर बताऊंगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं संजय पाठक जिस तरह से बीजेपी दफ्तर में हैं और उन वो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में ही हूं और बीजेपी में ही रहूंगा। संजय पाठक के बाद बीजेपी के एक और विधायक विश्वास सारंग ने अपनी जान को खतरा बताया है, क्या कुछ है उन्हीं से जानते हैं। विश्वास जी, आपका जिस तरह से आरोप है सरकार पर सीधे तौर पर, देखिए सीधा सीधा हमारी सुरक्षा को वापस लिया, हमारे गनमैन को वापस लिया, ये हमारी हत्या का प्रयास है। हमारे खिलाफ सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है हमारी हत्या हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, और इसीलिए इस तरह का हरकत किया। आज मैंने DGP को पत्र लिखा है कि बिना किसी कारण के आपने ऐसा क्यों किया। कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे खिलाफ, मेरे को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ पुलिस लगी, फिर मेरे घर के बाहर सादी वर्दी में पुलिस वाले, ऐसा क्या हो गया? क्या दिग्विजय सिंह जी आरोप लगा रहे हैं इसलिए किया जा रहा है? क्या हमारी जासूसी करवाने के लिए कोशिश की जा रही है? क्या हमारे को गनमैन के द्वारा गोली पड़वाने की कोशिश की जा रही है? क्या हमारी मॉब लिंचिंग करवाई जा रही है? अब यदि मेरी जान जाएगी तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार। सुरक्षा की बात कर रही है लगाने के लिए, नहीं तो क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? पिछले 10 साल से गनमैन है तो आप क्यों हटा दिया आपने, और ऐसा कारण क्या? मैंने नहीं बोला, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आज ही क्यों हुआ? 3 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी का आरोप और 3 दिन बाद हमें हटा, हमारी सुरक्षा हटाना, ये सीधे सीधे हमारी हत्या का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की संख्या कम करना। आपको क्या लगता है जिस तरह से आपका भी नाम लिया जा रहा है कि जिस तरह, देखिए पूरा का पूरा मामला जो है, जो नाम ले रहे हैं उन्हीं के बेटे क्यों जाते हैं विधायक को छुड़ाने, उन्हीं को दिव्य ज्ञान क्यों प्राप्त होता है? 3 विधायक जो मध्यांचल में, हम क्यों रुकवाएंगे? विधायकों ने बोल दिया कि हमें ना लालच दिया गया, ना हमें दबाव दिया गया, फिर बात क्यों कर रहे हो? ये केवल और केवल राजनीति है कांग्रेस की। अब सुरक्षा नहीं लेंगे हम? देखिए हम इसलिए अभियान अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें ये डर है कि नए गनमैन को वो भेजकर हमारी जासूसी भी करवाएंगे और हमें गोली भी पड़वा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने जिस तरह से सीधे तौर पर अपनी जान को खतरा बताया है और उन्होंने कहा है कि जो 8 साल से उनकी सुरक्षा में तैनात थे उनको हटाया गया है और अगर सरकार अब नई सुरक्षा मुहैया कराती है तो वो नहीं लेंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।